हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित है परसेंटेज का वो खास ट्रिक लेकर जो आप लोग को छूट गया था। तो मैंने टाइप 3 आप लोगों को आरएस राठौर बुक से नहीं बताया था, आरएस राठौर बुक से नहीं बताया था, तो आप लोग आज टाइप 3 सीखेंगे। तो टाइप 3 भी ऐसे ही जैसे मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन बताया था, जो मेरा खुद आरएस राठौर बुक से जरूर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है, जो नो कॉपी नो पेन के मेथड से जो ट्रिक है वो मेरा खुद का है, वो मैंने खुद ही इसको तैयार किया है। तो आप हमारा अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारा प्लेलिस्ट या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं और वहां अपने परसेंटेज को अपने मुताबिक अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक आप लोग को बीच ट्रिक दिया जा रहा है। तो हमने लेवल 1 टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक दे दिया है, लेकिन बीच में टाइप 3 कुछ कारणवश छूट गया था। तो आज हम आपके बीच देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने जो भी परसेंटेज का कोई भी सवाल आप लोग से छूटे नहीं और उसको जल्द से जल्द उस आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो पर चलते हैं, हम अपने पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए हम आपके बीच मात्र एक ट्रिक रखेंगे और उसी पर आप लोग को हल सारा कर लेना है। देखिए कैसे आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर देने से कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलो कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी के प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को समझना है कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 600 रुपये में 6 केजी कम चीनी खरीद रहा है, तो प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको भी ट्रिक दे रहे हैं कि m% बटा में 100 यहाँ पर गुना है, यहाँ पर कर दीजिए रुपया और बटा वस्तु, बस यही मात्र छोटा ट्रिक है मेरा और इसी पर आप लोग बैठा दीजिएगा। आप लोगों को कोई भी आंसर आएगा हम आगे भी इसका डिफिनेशन करेंगे कि कैसे हम इसको कमी रहेगा तो कमी करेंगे और वृद्धि रहेगा तो हम कैसे इसको हल बनाएंगे, चलिए सीख लीजिए। तो हमने बताया था कि m% बटा 100 रुपया बटे वस्तु, मात्र इतना ही आप लोग को रहे, तो जब बढ़ा हुआ मूल्य रहे तो भी घटा हुआ मूल्य रहे तो भी इसी को उपयोग करना है। चलिए देखिए कैसे हम उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40%, तो m की जगह हमारे पास 40 दिया हुआ है, 40% नीचे देखिए यहाँ पर आया है 100, तो 40/100 हो गया। और कह रहा है रुपया कितना दिया हुआ है, तो रुपया दिया हुआ है 600, तो यहाँ पर हम लोग 600 लिखेंगे। यहाँ पर वस्तु या चीनी, तो वस्तु है केजी में है, देखिए वस्तु जो है केजी में है, तो कितना है, तो 6 केजी है, 6 केजी है। आप लोग हल अब कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से ये कट गया पूरे पूरे 100 बार में, आई 100 से 100 खत्म हो गया, तो देखिए ऊपर में आप लोग को 40 बचे हैं, 40 बच गया। तो यही आप लोगों का जो उत्तर होगा कि प्रति केजी चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 40 रुपया है। तो देखिए कितना फटाक से और कितना आसानी से हमने इस प्रश्न का हल निकाल लिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से, अगर आप भी इस वीडियो को से लाभान्वित होंगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न है आप लोगों के बीच है, यदि चीनी के प्रति मूल्य केजी में 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हो जाए तो एक व्यक्ति अपने की चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे तो वह खर्च में कोई अंतर ना हो। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे वो भी बहुत ही जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है वो 6 रुपीज था प्रति केजी, बढ़ के हो गया 7.5 रुपया। 7.5 रुपया बढ़ गया मतलब कि कितना बढ़ा तो आप लोग घटा लीजिए तो 1.5 रुपया बढ़ गया है। 1.5 रुपया बढ़ जाएगी इस पर तो 6 रुपया पर। तो यही आप लोगों को अगर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, 6 को भाग दीजिए 1.5 से तो देखिए आ जाएगा 4। 4 आ जाएगा, 4 आ गया, बस आप लोग का आंसर भी आ गया। तो यही प्रतिशत में इसको बदल दीजिए तो यहाँ पर 100/4 कर दीजिए तो 25 आ गया। 25 आ गया मतलब कि 25% की वृद्धि हो गया। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर 25% बढ़ रहा है उसको घटाना है तो डायरेक्ट 25 से 20 कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसे भी आप लोग को नहीं आता है तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर आपको पीछे लाना है पीछे लाना है तो 4 में 1 जोड़ देना है बस 100/5 कर दीजिए आप लोग का 20% आ जाएगा। तो 20% की कमी कर देगा तो उसके उसे खर्च पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जेब का त्यों पर रहेगा। तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी खरीदता है तो चाय के प्रति कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। कम हुआ मूल्य ज्ञात करना है, देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए हमने बताया था कि इस ट्रिक के लिए m% / 100 × ₹/kg लिखिए या वस्तु लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर m% मतलब कह रहा है 10% की कमी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कम हुआ मूल्य पूछ रहा है मतलब कि कम हुआ मूल्य पूछ रहा है मतलब कि पूरा 100 नहीं पूछ रहा है, कम हुआ मूल्य पूछ रहा है। तो यही क्या कीजिए कि आप 100 में से 10 को घटा लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 90। कम हुआ मूल्य आप लोग को घटा लेना है। अब देखिए रुपया में दिया हुआ है 22,500 दिया हुआ है और नीचे में दिया है देखिए 25 दिया हुआ है। इसको हल करना है देखिए कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25 × 9 = 225 होता है और 00 बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। देखिए 900 है और नीचे 90 है तो यहाँ पर कटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 10 × 10 बराबर हमारे पास आ जाएगा 100। तो हमारे पास प्रति केजी कम हुआ जो मूल्य है वो 100 रुपया है। तो इस तरीका से आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड चौथा प्रश्न इस टाइप का चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, देखिए कैसे इसको हल ज्ञात करने हैं। तो हम प्रारंभिक मूल्य हमारा कभी भी रहेगा तो 100 रहेगा। प्रारंभिक मूल्य अगर घटा हुआ मूल्य रहता तो हम घटाते जरूर, लेकिन प्रारंभिक मूल्य पूछे और बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो आप लोग को यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ घटा हुआ मूल्य के लिए यहाँ पर घटाना है। अब आप लोग बैठा दीजिए तो यहाँ पर
परसेंट के जगह 20 दिया हुआ है और नीचे 100 जेव का तेव आप लोग को लिखना है। और यहाँ पर देखिए रुपया दिया हुआ है 120, तो रुपया दिया हुआ है 120। और देखिए वस्तु या केजी जो है वो 3 केजी अधिक ले रहा है, 3 केजी अधिक। अब इसको आप लोग हल कीजिए, आप लोग को आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 यहाँ देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से यहाँ 0 कैंसिल, तो ऊपर में देखिए 2×4 बचा हुआ है, तो 8 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग के सामने आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बना रहे हैं कि बहुत ही फास्ट और जल्दी जल्दी आप लोग इस प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न लेकर आप लोग। तो फ्रेंड पांचवा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। यदि केले के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, आप लोग ये ध्यान देना है कि प्रारंभिक पूछ रहा है कि बढ़ा हुआ पूछ रहा है या घटा हुआ पूछ रहा है, बस आप लोग का आंसर आ जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि 20% की कमी हो जा रहा है, तो कमी की जगह 20%, और देख रहे हैं कि प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो इसको नो छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि 10 रुपया में 5 केला, तो रुपया यहाँ पर देखिए ऊपर में 10 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। आप लोग हल अब कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 हो गया और यहाँ से देखेंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाता है, यहाँ से यहाँ हमारा कैंसिल हो जाता है, तो आता है हमारे पास 2/5, 2/5 आ जाता है, यही हमारा आंसर नहीं हो जाता है। 2/5 को रुपया में आप लोग बदल दीजिए, रुपया में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20×40 तो यह आ जाएगा 40 पैसा में आ जाएगा, 40 पैसा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाया गया है, तो इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।